और जो इस रिपोर्ट की टाइमिंग है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत जल्द बाय इलेक्शन है, कुछ उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ विधानसभा की सीटें हैं और एक लोकसभा सीट भी है। तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी साहब सिंह समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं, एनके सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और चौधरी साहब सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, इस रिपोर्ट को किस हद तक सही माने? पांच लोग हैं इस कमेटी में, पांचों के पांचों समाजवादी पार्टी के नेता। तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, बहुत जल्द दोबारा मैं सवाल आपसे पूछूंगा चौधरी साहब सिंह जी। सुधांशु मित्तल जुड़ेंगे, उनसे भी बात करूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो कमेटी है, रिपोर्ट की बात तो हम लोग करेंगे लेकिन कमेटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पांच के पांच जो इसमें लोग हैं इस जांच कमेटी में वो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। क्या इसे निष्पक्ष मान सकते हैं इस रिपोर्ट को और इसकी फाइंडिंग को? देखिए, रिपोर्ट्स क्या दर्शाती है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही कमेटी की जिक्र करें तो फिर आप कल ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं के सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच की गई रिपोर्ट है। तो महत्वपूर्ण ये कि वो जो आधार बता रहे हैं वो कितना तथ्यात्मक और दमदार है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम शंका कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट बायस्ड है कि अनबायस्ड है। तो आपको जैसे लगता है कि तथ्यात्मक है? जब बुलंद मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था जी, काफी हद तक, क्योंकि शिवपाल जी ने मुजफ्फरनगर के भी दंगों की एक जांच रिपोर्ट दी थी, वो भी बहुत वहां पे देख करके धरातली और काफी चीजें अच्छी थी, उसमें सुझाव भी थे, अच्छे सुझाव भी थे और रीजन भी काफी। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश जी कि इमरान मसूद साहब को क्लीन चिट मिल गई है इसलिए ये रिपोर्ट आपको मन मुताबिक लग रही है? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद आरोपों के घेरे में है इसलिए रिपोर्ट सूट कर रही है आपको? देखिए नहीं नहीं, देखिए हम किसी का इस तरह से पक्ष या विपक्ष नहीं करते, हम भी तथ्यों के आधार पे किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा करते हैं। तो बीजेपी के लोग को अगर अवसर मिले तो उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है टेंशन क्रिएट कराना। अच्छा, वो क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? वो क्या कंठी माला जपेंगे? तो ये तो जग जाहिर है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो प्रशासनिक फेल्योर है, जो मैं पहले दिन भी कह रहा था कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थी, वो धार्मिक प्रॉपर्टी थी जी। और जो इस तरह की बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं खासतौर से रिलीजियस, एलआईयू को और लोकल नायब लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक उसके ठीक है बारे में पता होता है कि ये डिस्प्यूट किस लेवल का है और प्रशासन उस तरह से सतर्क रहती है। तो हम पहले दिन भी बता रहे हैं कि प्रशासन की पहली फेल्योर यही थी कि जानते हुए भी प्रशासन ने उसके एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए। ठीक है, मैं आता हूं। सुधांशु मित्तल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि सहारनपुर में दंगे आप लोगों ने करवाए। अखिलेश जी, एक शेर है, जंगल तेरे पर्वत तेरे बस्ती तेरी सहरा तेरा। पांच आदमियों की कमेटी, पांचों सपाही, कौन कौन कमेटी के मेंबर्स हैं? शिवपाल यादव जी, शिवाकांत ओझा जी मिनिस्टर हैं ये टेक्निकल एजुकेशन के, अरविंद गोप, आशु मलिक और हाजी इकराम कुरेशी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सहारनपुर के। अब ऐसी कमेटी की रिपोर्ट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ और उसमें निकल के आएगा? अब मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं जिससे शायद कितनी हास्यप्रद ये रिपोर्ट है वो साबित हो जाएगी। इस सारे में 6 जने आज तक गिरफ्तार हुए, 6 मुसलमान, और दंगे करवाने का उन पर आरोप। दंगे क्या है? सिख समुदाय पे मुसलमानों ने हमला करा, क्योंकि वहां पे उनको जो है कोर्ट ने परमिशन उनकी जगह दे दी, उसके बाद दंगे हुए, 6 मुसलमान गिरफ्तार होते हैं और दंगा किसने करवाया? राघव लखनपाल ने। तो चौधरी साहब सिंह जी, और क्या कल्पना कर सकते हैं? चौधरी साहब सिंह जी, जो आपकी रिपोर्ट को आपकी जो रिपोर्ट है ना उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों की सरकार की रिपोर्ट, क्योंकि एक तो पांच के पांच जो सदस्य हैं इस कमेटी में वो समाजवादी पार्टी के नेता है, ऐसे में इसकी निष्पक्षता तो सवालों के घेरे में है। इसके अलावा विरोधाभासी भी रिपोर्ट है, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दंगों के लिए, दूसरी तरफ प्रशासनिक चूक भी आप कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है जरा समझाइए। देखिए, जो दंगा हुआ था सहारनपुर का, सहारनपुर के दंगे के समय वहां पे जो है
सहारनपुर के दंगे के समय शासन ने बड़े अधिकारी भेजे थे, उन्होंने वहां के मामले को देखा और वहां के दंगे को कंट्रोल करने का काम किया और उसके बाद उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छा। और ये जो कमेटी गई थी 5 लोगों की, इन्होंने वहां पे जांच की है और जांच करके जो उनके प्रकाश में आया, जो वहां के लोगों ने बताया है, वो रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। जहां तक सवाल इस बात का है, अभी सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे, सुधांशु मित्तल पे थोड़ी देर के बाद जाइएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरोप लगाया चौधरी साहब से जा रही है, मेरे सवाल का जो दूसरा पक्ष था उसको हटा रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी का नाम तो नहीं लिया गया उसमें, आप ही की इस रिपोर्ट में भूमिका उनकी प्रकाश में आई है चौधरी साहब, तो वो जो जानकारी आई है, जो वहां से जो रिपोर्ट जो जनता के लोगों ने बताया है, कमेटी ने जो वहां से महसूस किया है, प्रशासनिक लापरवाही की तरफ इशारा किया गया है। प्रशासनिक लापरवाही के लिए तो आपकी सरकार जिम्मेदार है ना, दंगे होते ही क्यों है आखिर? तो प्रशासनिक लापरवाही इस कमेटी ने देखिए, यदि कमेटी निष्पक्ष नहीं होती तो कमेटी प्रशासनिक लापरवाही के बारे में क्यों कमेटी अपनी रिपोर्ट देती? सरकार को भी कटघरे में खड़ा कीजिए मासिक जय चौधरी साहब, रही है इस बात के लिए क्यों इसीलिए तो होती है ना कि आपकी सरकार का इकबाल ही रह गया है। सरकारें क्यों होती हैं जब दंगे हो रहे हैं और आप लोग देखते रह जाते हैं मूक दर्शक की तरह? यूपी में एक के बाद एक कई दंगे हुए, लोकसभा चुनाव के पहले से जो दंगों की शुरुआत हुई थी वो सिलसिला चलता रहा बदस्तूर। देखिए अखिलेश जी जो दंगे की शुरुआत हुई थी, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि झगड़े झगड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे झगड़े हुए उन छोटे झगड़ों को बड़े बनाने की कोशिश की है। माफ कीजिएगा, आप उत्तर प्रदेश की सभा से पहले ये सब काम हुआ है, बहुत ही शर्मनाक बयान आप दे रहे हैं। विधानसभा का जो चुनाव आ रहे हैं इन्हें लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति खाक हो रही है, लोगों की जाने जा रहे हैं, प्रदेश में धंधे कराने का सुनियोजित काम किया जा रहा है, ये इस तरीके का शर्मनाक बयान तो कम से कम मत दीजिए। एनके सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ, सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे थे, जरा सुन लेते हैं सुधांशु जी। अखिलेश जी, एक तथ्य और जो सबको ध्यान रखना चाहिए, 326 दंगे पिछले साल अखिलेश प्रशासन के द्वारा के नीचे होते हैं। सोचना नहीं चाहिए कि क्या कारण होंगे, खुद माननीय प्रशासनिक जो है अनियमितताएं हुई हैं और लचर प्रशासन था। 326 क्यों हुई, उसका कारण है, देखिए जब आप पुलिस प्रशासन में धर्म और जाति इसके नाम पे आप प्रशासन चलाएंगे, कानून की प्रभुसत्ता ना करके धर्म की और जात की प्रभुसत्ता अगर होगी तो फिर यही सर। लेकिन ये बातें जो आप कह रहे हैं ना, बहुत ही आदर्श बातें कह रहे हैं, भाषण में ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुधांशु मित्तल साहब, लेकिन चूंकि आरोपों के घेरे में आप ही लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि आप लोगों की और समाजवादी पार्टी की मिली भगत से यह सब कुछ हुआ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, और इसका फायदा आपने लिया लोकसभा चुनाव में, मायावती ने यह बयान दिया है, बीएसपी सुप्रीमो ने। अच्छा अखिलेश जी अगर हमारी इनकी मिली भगत होती ना तो सीटें आधी आधी बटती ना, सुनिए अखिलेश जी, आधी आधी सीटें बटती ना, इनका तो सुपड़ा साफ हो गया। नहीं नहीं, तो आप कामयाब रहे अपनी रणनीति में, आधी आधी सीटें ना बट के आपकी तरफ ज्यादा आ गई। एनके सिंह जी ये जो बाय इलेक्शंस की जो आहट है उत्तर प्रदेश में, क्या उसी के मद्देनजर एक बार फिर से इस राख से चिंगारी को पैदा करने की कोशिश की जा रही है दंगों की आग? अखिलेश, दरअसल असली सवाल पे अब आप आए हैं जी, आप गौर कीजिए कि जनरल इलेक्शन अभी अभी हुआ, अगर दंगों से वोट मिलना होता तो जनरल इलेक्शन में बहुत सारे दंगे पूरे देश में हो गए होते, जनरल इलेक्शन के बाद ये दंगे हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है 600 दंगे जनरल इलेक्शन के बाद होते हैं, सिर्फ उपचुनाव के नजदीक आते आते उन्हीं इलाकों में होते हैं? दरअसल इसका रीजन दूसरा है, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का फॉल्स कॉन्शियसनेस लेके कुछ लुम्पेट हर तरफ आ रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आ रहे हैं, तीनों की तरफ आ रहे हैं, लंपटतावाद भारतीय पॉलिटिक्स में रैलिश किया जाने लगा है, तो वो जो लंपट हैं वो दोनों तरफ आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जीती है तो वो भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीती है तो उनके लुम्पेंस आ रहे हैं, और ये जो लुम्पेंस आ रहे हैं वो कांग्रेस में भी आ रहे हैं, तो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट उनको ये लगा कि नहीं नहीं अब तो हम लोग जीत गए, अब हमारा क्या होगा, और ये दंगे जो हो रहे हैं वो कोई जमीन नहीं करवा रहा है, दो वर्ग करा रहे हैं। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, मुझे बहुत अच्छा लगता कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इन्वॉल्व है तो आप उसको अरेस्ट करें, बिल्कुल सही है, और बीजेपी को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे मेंबर पार्लियामेंट को, अगर यही नैतिकता है। लेकिन हकीकत यह है, एक तरफ तो आप बीजेपी के एमपी को बता रहे हैं, बौना सा बेचारा प्रशासन है उसको बता दे रहे हैं,
खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैंने सुना था कि भाई जुडिशियल कमेटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी या कमीशन बनता है, ये कौन सी कमेटी है जो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है और फिर वो अपने को बचा के कमेटी में सर अपने ही दल के तमाम नेता सारे अपने ही दल पांच के पास। बड़ा अच्छा होता कि बीजेपी के भी लोगों को लेते, कांग्रेस के भी लोगों को लेते और कहते एक सर्वदलीय कमेटी बना के हम इसको इंक्वायर करेंगे। बड़ा अच्छा लगता बिल्कुल। चौधरी साहब सिंह जी, अब तो अलार्मिंग सिचुएशन है आप लोगों के लिए। आप ही की पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब तक अब ये बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। अखिलेश जी, आजम खान साहब ने क्या बयान दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लीजिए बयान। उसकी जानकारी नहीं है चौधरी साहब सिंह जी, मुझे लगता है दर्शक जानकारी नहीं है ना, मुझे उसका कोई बात करनी नहीं। नहीं, दर्शक जाने, देश देश की जनता जाने, ये बहुत जरूरी है। आपको सूट नहीं कर रहा है इसलिए आप बात नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता ना। एक मिनट सुन लीजिए चौधरी साहब, विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए वो बयान, फिर आप बोलिएगा अपनी बात। आजम खान साहब ने कहा है कि भले ही अखिलेश यादव सख्त रुख अख्तियार कर रहे हों लेकिन कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं रही है। ये आप ही की सरकार के कद्दावर मंत्री का बयान है मुख्यमंत्री को लेकर। अभी आजम खान साहब को जानकारी होगी, मुझे नहीं पता इस मामले में, ये जानकारी आजम खान साहब को होगी, ये आजम खान साहब की जानकारी होगी, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जहां तक दंगों का सवाल है, जो दंगों पर बात हो रही है, अभी जो बात अभी दंगे जो प्रदेश में हुए, जब भी अभी बात हो रही थी एन के सिंह की, कह रहे थे साहब जनरल चुनाव के बाद दंगे हुए, जनरल चुनाव के बाद भी, जनरल चुनाव से पहले भी बहुत दंगे हुए हैं और देखे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उन झगड़ों को दंगे बनाया गया। आवाज साफ तौर पर हम नहीं सुन पा रहे हैं, शायद कोई तकनीकी खामी है। चौधरी साहब सिंह जी माफी चाहूंगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। सुधांशु मित्तल बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। सुधांशु जी, मैं अखिलेश जी, इन दंगों को जब आप चुनावों से जोड़ के देखना चाहते हैं तो शायद इसका असली परिप्रेक्ष्य हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हो क्या रहा है एक विकृत राजनीति जो है, तो नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में। सुधांशु जी देखिए, आप अपनी बात रखिएगा, तो नहीं हो सकती है कि लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द दंगे होने लगते हैं, उसके इर्द गिर्द दंगे हो रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मेरा तर्क एक बात सुन ले, उसके बाद जो आपका निष्कर्ष निकालना निकाल लीजिए, बोलिए, फिर मैं जाऊंगा अखिलेश मेरी बात के पास, बोलिए पहले आप। देखिए एक विकृत राजनीति जिस दिन से अखिलेश जी आए हैं तब से यूपी के अंदर चालू हो गई। तीन चीजें आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। आतंकी मामलों में ये 19 आदमी जो है जो गिरफ्तार थे, इनके केस वापिस कर लो। एक अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण की राजनीति और उनके अंदर एक भावना देना कि कानून और व्यवस्था जो है उससे वो बड़े हैं। दूसरा, हर थाने के अंदर दो मुसलमान कांस्टेबल पोस्ट करना। जब आप सारा पुलिस प्रशासन को धर्म और जात से जोड़ के देखेंगे, चलिए ठीक है अखिलेश, कानून की प्रभु सत्ता नहीं है। यही आरोप तो बात सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुधांशु मित्तल जो बातें कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में और उसी का ये नतीजा है जो कुछ देखने को मिल रहा है? मैं, मेरे पास जो जानकारी है, यह समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है उसने अगर ये लिस्ट जारी कर दी कि भाजपा के किन किन वरिष्ठ नेताओं के मुकदमे वापस हुए हैं तो संभवतः सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रॉब्लम हो जाएगी। सुधांशु मित्तल, पहली बात, दूसरी बात, सुधांशु मित्तल जी को प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात जी, हम थोड़ा सा भिन्न हैं यहाँ पे एनके सिंह जी से। जिस प्रकार से बीजेपी के लोग इतने निश्चल और करुणा भाव से व्याख्यान जब करने लगते हैं दंगों के बारे में तो अजीब सा लगता है, कितना बनावटी दिखावा लगता है। कभी तो ये गर्व से कहते हैं कि गोधरा अगर भूल गए होगे तो अभी मुजफ्फरनगर को याद कर लो। कोई कहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहता है नागिन के तरह से आंखों में बिठा लिया है मैंने। तो आपकी पार्टी के नेता इमरान मसूद ने भी तो कुछ ऐसा ही बयान दे दिया था अखिलेश जी, और से तमाम अखिलेश जी, इस तरह के लोग तो हर पार्टी में हैं। इमरान मसूद आपकी पार्टी के नेता अभी भी हैं, सुन लिया जो भड़काऊ बयान मैंने सुन लिया, जवाब दे रहा हूं, सुन लिया जवाब दे रहा हूं जी। आप बयान भी सुना दे तब मैं बोलूं? नहीं नहीं बोलिए ना, आप बोलिए। वो मेरे पार्टी में तब नहीं थे, उसके उन अगर उस मेरे पार्टी में आने के बाद कोई बयान दे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा,
तो ये बयान जो उन्होंने दिया इसी वजह से आपने पार्टी में शामिल कर लिया। पुराना वो था, ये एक अजीब सा तर्क अखिलेश प्रताप सिंह जी आप दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपकी वो उस वक्त आपकी पार्टी में नहीं थे, बाद में आपका आपका कुतर्क है, कुतर्क आप दे रहे हैं। सुन, मैं जवाब दे रहा हूँ जी, बोलिए। जब वो छह महीने मैंने आप दे रहे हैं क्योंकि जब मेरे पार्टी में आ गए उसके दो महीने बाद, एक महीने बाद एक चैनल जो आजकल काफी कंपटीशन में है उस चैनल के रिपोर्टर ने उस बयान को दिखाया और मैं भी लाइव पे था, मैंने पूछा ये बयान आपने शूट किया है कि आपको मिला है, तो उन्होंने कहा मिला है। हमने कहा कि आपने क्या इसकी, खैर उस पर हम जाना नहीं चाहते, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, वो अगर हम लोग को उसकी जानकारी पहले हो रही होती कि ऐसा बयान उन्होंने दिया है या वो मेरे पार्टी में रहते कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान देता। अब तो है ना जानकारी, क्या कार्रवाई की आपके इस प्रश्न के लिए, कल गर्म होते, अब तो जानकारी है आपके पास, आने के बाद कुछ किए होता बताइए। देख मैं कह रहा हूँ मेरे पार्टी में आने के बाद कुछ किए हो तो हम उसकी जवाबदेही स्वीकारते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बात है, कुछ ना कहें तो आप बोलिएगा। जी जी, एनके सिंह चौंकाने वाले नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट हो रही है। मुहर्रम अली पप्पू एक शख्स हैं जो कि सहारनपुर दंगे के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के नेता, उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसा लगता है सर कि दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर नजर आ रही है अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी नेता एक साथ दिख रहे हैं। एग्जैक्टली जो अखिलेश जी में तार्किक दोष है वो ये है कि सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स, आप सेलेक्टिवली, बीजेपी में भी वही लुम्पेंस है जो आपके यहाँ है, जो समाजवादी पार्टी में है उनके यहाँ भी कोई सोम होता है, कोई बालियान होता है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, कंप्लीट होने दीजिएगा। और आपके यहाँ भी कोई होता है और आप उसको इग्नोर कर जाते हैं, समाजवादी पार्टी तो इसको अच्छा खासा पौधे लगा रखी है। तो बात यह नहीं है कि आप बीजेपी को कहें और बीजेपी कांग्रेस को कहें, एक दंगे ऐसे मुद्दे पे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल क्लास सिंसियर होता तो क्या आप सब लोग ये डिमांड ना करते कि शालीनता का तकाजा है, डेमोक्रेटिक शालीनता का तकाजा है कि एक ऑल पार्टी कमिटी जाए और वहां पे जांच करे और जो भी हो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पार्टी ही बिलोंग्स टू उसको आप बिल्कुल खत्म कर दे, उस पार्टी में ना रहने दे। चलिए, अगर ये रहता तो मेरे ख्याल से ज्यादा शालीन तरीका होता। मैं आता हूँ सर, अखिलेश सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपको समय दूंगा सर, मैं आता हूँ सर आपके पास, लेकिन चौधरी साहब सिंह जी से मेरा सवाल है। चौधरी साहब सिंह जी, चलिए ये तो रिपोर्ट आ गई, आपने जो चीज आपको सूट करती है उसके मुताबिक आपने बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम इसमें डाल दिया, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी, क्योंकि प्रशासन भी तो आप ही के हाथ में है ना, पुलिस आपके हाथ में, आपके पास अगर फैक्ट्स है तो कार्रवाई कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे सूट करने की बात नहीं है, वहाँ एक कमेटी गई थी, एक कमेटी भेजी गई थी। चलिए मैं मान लेता हूँ सर, आप एक एमपी को बदनाम किया है, आप ये मान भी लेते हैं चौधरी साहब सिंह जी, एक पल के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि इस मामले में वो आरोपी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई मुकदमा दर्ज करेगी आपकी पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस? कोई, अरे जो भी दोषी होगा चाहे वो कोई भी हो, जो भी दोषी होगा चाहे वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा और कौन दोषी है, क्या दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, चाहे वो और पार्टी का हो। नहीं नहीं, आपने नाम लिया ना साहब सिंह जी, आप मिनिस्टर की कमेटी, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा, आपके मिनिस्टर की कमेटी कह रही है कि एक मेंबर पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर पार्टी का जिम्मेदार है, पुलिस आपकी है, अगर उनके पास ये फैक्ट्स है तो क्यों नहीं उस एमपी को गिरफ्तार करते, शायद ये डर है कि एमपी को गिरफ्तार करेंगे तो कम्युनल पोलराइजेशन हो जाएगा जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अदरवाइज पहला काम आपका ये था कि कमिटी की रिपोर्ट आते आते पहला काम करते कि आप गिरफ्तार करवाते। जी खालिस राजनीति कर रहे हैं चौधरी साहब सिंह जी। देखिए जांच के बगैर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है एनके सिंह जी, बिल्कुल नहीं होती है, तो जांच ही करवा लीजिए। FIR होती है, जांच होती है, तब उसके बाद कार्रवाई और गिरफ्तारी होती है, देश में कानून है, कानून के जरिए से देश चलता है, ये नहीं है कि पहले किसी की भूमिका बाद में पता चले उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लो, ऐसा नहीं चलता। सुधांशु मित्तल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आपके पास सुधांशु मित्तल, आपको हम लोग कहीं विषय से भटक रहे हैं, वैसे कुछ जानकारी चौधरी साहब को नहीं है तो बता दो, जांच जो होती है वो पुलिस ही कर सकती है CRPC के तहत, आपकी जो कमेटी है उसके पास जांच की क्रिमिनल ऑफेंस की जांच की कोई पावर नहीं, कोई है, पावर नहीं है। तो कृपया करके जो है आप जो तर्क दे रहे हैं वो कुतर्क और वितर्क ना करिए, एक बात जी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग आप बोलते मैं बीच में नहीं बोलता, उन्होंने आप जब बोले तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, देखिए देखिए चौधरी साहब कुछ तहजीब रखिए, तहजीब रखिए, जब मैं बीच में बोल रहा हूँ तो मेरे बीच में ना बोलिए, आप जब बोलते मैं बीच में नहीं करनी थी, सुनिए हाँ, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ सुनिए, मेरी बात सुनिए,
अखिलेश जी एक एक बात समझ लीजिएगा कि ये कारण में जाइए कि बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं, अखिलेश सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से हर जगह दंगे हो रहे हैं और हर जगह एक ही सत्ता में उनका काम है। अगर गंभीर चर्चा करें, छोटा सा कमेंट अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे लेना चाहूंगा, 20 सेकंड में मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए और एक एक नेता की हैसियत से जवाब दीजिएगा, जो जनप्रतिनिधि होता है किसी पार्टी के नेता की हैसियत से मत बोलिएगा। क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि अभी भी देश में इस तरह से दंगे होते हैं और वोट की राजनीति होती है, फसल काटे जाते हैं? देखिए, दूसरों के अगर दल के लोग जांच करके रिपोर्ट दे रहे हैं तब तो उस पर बीजेपी के लोग उंगली उठा रहे हैं, और जब गडकरी जी पे आरोप लगे थे तो एक सीए आकर के इनकी पार्टी की जांच की और क्लीन चिट दे दिया और इन लोगों ने पूरे देश में कर दिया, कानून से ऊपर हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया, अब काम खत्म हो गया, दोषी नहीं है। नहीं, एक मिनट, जवाब उसका जवाब देना, अब आप मुझे समय न देंगे, इतने बहुत बहुत ज्यादा जवाब देने का समय दे दें। अखिलेश जी आप इसीलिए हारे, देखिए जब भी कहीं पे भी इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, दूसरे को नसीहत दे रहे थे से जनता का ध्यान भटका देते हैं। दंगे अगर हो रहे हैं तो जो दंगाई है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले तो शायद अपने आप दंगे रुक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी न्यूज 24 पर।